बॉलीवुड में नरगिस राजकपूर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, रेखा सहित कई स्टारों की जोड़ियां हिट होती आई है। उसी प्रकार भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इन दिनों खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी हिट मानी जा रही है। कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी यह जोड़ी दर्शकों को हमेशा ही काफी पसंद आती है। कुछ फिल्म वितरकों का यह भी मानना है कि अगर खेसारी के साथ काजल राघवानी हीरोइन होगी तो वह फिल्म यकीनन सुपरहिट साबित होगी। इन दिनों खेसारी लाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन पोजीशन पर चल रहे अभिनेता है। वही बात करें काजल की तो काजल को भी इन दिनों नंबर वन की पोजीशन पर देखा जा रहा है। खेसारी लाल को इन दिनों दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। खेसारी की हर एक्टिविटी में उनके दर्शक ठल करते हैं। खेसारी और काजल की जाने मन इंतकाम, दबंग, आशिक जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है, जिनमें दर्शकों ने खेसारी और काजल की जोड़ी को काफी पसंद किया है। खेसारी और काजल की आने वाली फिल्म मेहंदी लगा के रखना नवंबर को प्रदर्शित की जा रही है। इस फिल्म के रिलीज के पहले ही फिल्म के गाने सुपरहिट हो चुके हैं। इस फिल्म का म्यूजिक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड द्वारा रिलीज किया है और इस फिल्म का गाना सरसों के सगिया को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस गाने का संगीत मधुकर आनंद ने तैयार किया है। खेसारी लाल की हर फिल्मों के गानों को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन मधुकर आनंद द्वारा बनाए सरसों के सगिया को यूट्यूब पर काफी अधिक मात्रा में देखा जा रहा है। इस गाने को करोड़ से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। खेसारी और काजल इन दिनों लखनऊ में फिल्म बाबरी मस्जिद की शूटिंग में व्यस्त है। बाबरी मस्जिद से पहले यह जोड़ी ने फिल्म दुल्हन गंगा पार के की शूटिंग पूरी की है। खेसारी और काजल की भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।